हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीना, हरे कृष्णा योग मंदिर अहमदाबाद से। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पेन के लिए घर में कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जिनके खाने से आपको दर्द में काफ़ी राहत महसूस हो जाएगी। दोस्तों, चार चीज़ें नेचुरल स्टेरॉइड होती है, हल्दी, लहसुन, शिलाजीत और गूगल। ये चारों चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा दर्द के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन कैसे यूज़ करते हैं? लहसुन को छील के उसका छिलका निकाल के आपको उसको एक डब्बी में डाल के फ्रिज में स्टोर कर देना है। सुबह उठने के बाद दो कली, सबसे पहला आपका यही काम होगा, दो कली फ्रिज में से निकाल के आपको टुकड़े टुकड़े करके गर्म पानी के साथ लेनी है। गर्म पानी यानी ल्यूक वार्म, बहुत ज़्यादा वार्म वाटर नहीं। उसके आधे पौने घंटे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद आप कुछ भी खा भी सकते हैं। हल्दी कैसे लेनी है? हल्दी भी ऐसे ही लेनी है। हल्दी भी आप सुबह में एक चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेंगे, आधा पौना घंटा कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन जो हल्दी है वो घर की पिसी हुई होनी चाहिए, मार्केट की नहीं। या आप जो ड्राई हल्दी मिलती है उसको लेके आप किसी चक्की से, किसी ग्राइंड जो करते हैं लोग मसाले पीसते हैं, उनके पास से ये पिसवा के आओगे। बाहर की हल्दी में क्या मिक्स है हमको मालूम नहीं, कितनी मेडिसिनल उसकी वैल्यूज़ हैं हमको ये भी नहीं पता, क्या क्या मिलावट की गई है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो प्योर चीज़ें होगी तो ही मेडिसिनल वैल्यूज़ कंटेन होगी, प्योर चीज़ें नहीं होगी तो हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिन लोगों को एसिडिटी है वो लोग हल्दी और लहसुन दोनों नहीं खाएंगे, जिनको एसिडिटी नहीं है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। पर चारों चीज़ों में से एक ही चीज़ लेनी है, पांचवी चीज़ भी बताऊंगी नेचुरल स्टेरॉइड के अलावा, उन सभी चीज़ों से आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी है। हल्दी हो गई, लहसुन हो गई, उसके बाद आता है लहसुन उन लोगों को नहीं लेना है जिनको सिर्फ वाफ से रिलेटेड बीमारी है तो ही लेना है, जिनको अल्सर है, एसिडिटी ज़्यादा है वो लोग ये लहसुन का भी यूज़ नहीं करेंगे। अब आता है शिलाजीत। शिलाजीत दो से तीन ड्रॉप्स सुबह गर्म पानी के साथ ले लेना है, आधे कप पानी में लेना है, पानी ज़्यादा इसमें नहीं लेना है। उसके बाद आता है गूगल। गूगल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, आपको जिस फॉर्म में लेना हो आप ले सकते हो। तो ये हो गई नेचुरल स्टेरॉइड की बातें। नेचुरल स्टेरॉइड पेन किलर्स का काम करते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथी, जिसको कैल्शियम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मेथी दाना फेन्योग्रीक जो मसालों में यूज़ आता है, गरम मसालों के अंदर करी में हम डालते हैं इसके, विंटर में कई कम्युनिटी के अंदर, कई देशों के अंदर इसके लड्डू बना के भी खाते हैं। इसको, मेथी को रात को एक चम्मच कांच के बाउल में धोकर अच्छी तरह से भिगो के रखेंगे। सुबह उठते ही पहले सब वो पानी पी लेंगे और ऊपर से ये चबा चबा के खाना ये मेथी के दाने खा लेंगे, चबा के खा लेंगे और आधा पौना घंटा कुछ भी नहीं खाएंगे। तो आप ये दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे पांचों चीज़ें। लेकिन खाली ये चीज़ें करने से आपको फ़ायदा होगा ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि जैसे ये करो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसा सब आप गूगल पे आजकल देखते आ रहे हो। ये सब काम मैं नहीं चलाती हूँ, मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ अपने अनुभव से बताती हूँ और आपको 100% फ़ायदा हो ऐसी मेरी कोशिश रहती है। इन चीज़ों के साथ थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, योग करना बहुत ज़रूरी है और खाना कम खाना बहुत ज़रूरी है। लोग योग तो कर लेते हैं, प्राणायाम तो कर लेते, योग तो कर लेते हैं, एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, जिम में दो दो घंटे अपनी हड्डियां कूट लेते हैं, पर खाने के नाम पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जहां से जितना मर्जी आता है वो खा लेते हैं। तो खाना बहुत कम खाना चाहिए। दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, जो इंसान को प्रेम नहीं मिलता वो खाने में से अपना प्रेम निकालता है। अक्सर लोग खाना वही ज़्यादा खाते हैं जिनको जीवन में प्रेम नहीं मिला हो। ये टॉपिक अलग है, इसके ऊपर भी एक चर्चा की जाएगी। फूड का पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके काफ़ी सारे वीडियोस बनेंगे आगे चल के। फूड कैसा खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, कैस कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये पूरा एक हिस्ट्री है। तो जिन लोगों को पेन है और एक जगह बैठे हुए हैं, शरीर बहुत बड़ा हुआ है, वेट ज़्यादा है,
वो लोग बहुत कम खाएंगे। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बहुत कम खा के मरा हो। बहुत ज़्यादा खाना खाने से ही ज़्यादा बीमारियां बढ़ती है, ज़्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं। तो दोस्तों, इस शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। आप इतना करिए, ये 5 चीज़ें पेन निवारण के लिए यूज़ करिए। 5 में से एक ही चीज़ यूज़ करनी है, सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है आपको। कोई भी एक चीज़ जो आपको हाथ में लगती है, आप इजीली अवेलेबल है आपके पास, उसका यूज़ करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। उसके साथ परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। खट्टी चीज़ें बंद कर देंगे, मीठी चीज़ें बंद कर देंगे, ठंडी चीज़ें बंद कर देंगे, आप देखो आपके दर्द में कितना रिजल्ट आता है। इसी शुभकामना के साथ